हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट्स। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटेड ट्रांसफार्मर लोड शेयरिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर T1 और T2 कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारा LCD डिस्प्ले 16x2 Arduino NVMe कंट्रोलर, वोल्टेज रेगुलेटर 7805, और ये हमारा करंट सेंसर है, और ये रिले मॉड्यूल 5 वोल्ट, और ये हमने यहाँ पर दो लैंप कनेक्ट किए हुए हैं 12 वोल्ट वाले, जिसमें से एक लैंप ट्रांसफार्मर ट्यूब के साथ कनेक्ट है और दूसरा लैंप स्विच ऑन होने के बाद कनेक्ट होता है। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर ट्यूब ऊपर एक लैंप कनेक्टेड है और दूसरा लैंप कनेक्ट करने के लिए हमने स्विच का यूज़ किया है। तो जैसे कि हमने स्विच ऑन किया, हमने ट्रांसफार्मर T1 को ऑन किया, तो जैसे कि जो लैंप कनेक्टेड वो ऑन हो चुका है और हमारा करंट 2 एम्पियर है, और ट्रांसफार्मर T2 अभी ऑफ है। तो ये जैसे कि अभी ट्रांसफार्मर T2 ऑफ है और हमारा एक ही लोड है, तो हमारा करंट है 2 एम्पियर। डिस्प्ले में शो हो रहा है हमारा LCD पर T2 इज ऑफ। अभी हम सेकेंडरी लोड को ऑन करेंगे इसकी मदद से। तो जैसे कि हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, तो ये हमारा लैंप ऑन होगा और हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ते ही क्या होगा कि हमारा रिले ऑन होगा और हमारा सेकंड T2 ट्रांसफार्मर भी T1 के साथ पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे दोनों लैंप जल रहे हैं और हमारा करंट है 3 एम्पियर, और अभी हमारे ये दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल वर्क हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर T2 है जो T1 के साथ पैरेलल कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा आप रिले ऑन है, आप सब देख सकते हो। जैसे कि मैं लोड ऑफ़ किया और रिले ऑफ हो चुका है और हमारा करंट भी घट चुका है, और हमारा ट्रांसफार्मर T2 है वो हमारा ऑफ हो चुका है, और अभी हमारा लोड सिर्फ T1 पर चल रहा है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड ट्रांसफार्मर लोड शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।